है। क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आप भारत नहीं, आप पाकिस्तान के हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिसके लिए आज ये इतनी दया दिखा रहे हैं वहाँ के हिंदुओं के लिए, उस टाइम जब हमारा बंटवारा हुआ था उन्हीं हिंदुओं ने यहाँ पे भारत में रहना मुनासिब नहीं समझा था, उन्होंने पाकिस्तान को अपना देश माना था। जो यहाँ के मुस्लिम हैं उन्होंने हिंदुस्तान को देश माना था। तो वो जो वहाँ के हिंदू हैं वो हमारे हिंदुस्तानी नहीं है, जो यहाँ के मुसलमान हैं वो असली हिंदुस्तानी हैं। आप उनको हिंदुस्तानी बोलेंगे और यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलेंगे, आपकी औकात है क्या? आप नहीं बोल सकते हैं। जो भी या हिंदू हो या दलित हो, जो भी इनके आगे आकर खिलाफ इनकी आवाज उठाए उसको हम दबाएं और अपना हिंदू राष्ट्र बनाएं। हिंदू राष्ट्र, सो कॉल हिंदू, उसमें दलित नहीं आते। एससी एसटी ओबीसी, भले ही ओबीसी अपने आप को हिंदू समझने की गलती कर रहे हैं, बट मैं बताना चाहूंगी कि आपको कोई भी हिंदू नहीं समझता है, आप उनके लिए दलित हैं। दलित वर्ग जो है एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम अपने आप को, ये मतलब एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम, ये मनुवादी सोच के लोग इनको कुछ नहीं समझते हैं। ये सिर्फ समझते हैं सो कॉल्ड जो है 3% हिंदू, जो ब्राह्मण वर्ग है, राजपूत वर्ग है, उच्च वर्ग जिसे इन्होंने मान लिया है, हम नहीं मानते, जिन्होंने इसे मान लिया उसका ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप सब दलित मिल जाएंगे, हम हिंदू मिल जाएंगे और मुस्लिम्स को निकालेंगे। इनका सब पूरा एजेंडा ये है कि दलित को भी निकालो, मुस्लिम्स को भी निकालो, फिर उसके बाद हमारा पूरा हिंदू राष्ट्र, इनकी सारी नागरिकता खत्म कर दी जाए और उसके बाद हम अपना राज कर लें। नेहा जी, 200 दिन बाद बताए जा रहे हैं कश्मीर से 370 हटाई, उसके बाद तमाम प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जो है सीए लाया गया, जिस तरह से 370 को असंवैधानिक कहा गया, सीए को भी असंवैधानिक कहा जा रहा है, 2 महीने से उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पर विचार नहीं कर रही है, जनता की आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुन रही है। किस तरह से देखते हैं? गूंगे भैरे लोग हैं, गूंगे भैरे, बिल्कुल एक तरीके से है ना कि इनके अंदर जान बची ही नहीं है। अब ये बिल्कुल एक तरीके से एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। एक वर्ग कौन सा? जो इनका बहुत ऊंचा वर्ग जिसे है अडानी अंबानी के लिए, सिर्फ उसी के लिए ही काम कर रहे हैं। देखिए, आम जनता इनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आम जनता के लिए इन्होंने कभी सोचा ही होता ना, तो आज हमारे यहाँ CAA नहीं होता, आज हमारे यहाँ NRC के ऊपर शाहीन बाग ना बना होता, आज हमारे ऐसे प्रोटेस्ट ना हो रहे होते, आज 200 दिन तक इंटरनेट ना काटा गया होता कहीं पे भी। और इनके नेता ऐसे बोलते हैं कि देखिए आपको तो गोरी गोरी लड़कियां मिलेंगी शादी करने के लिए, अरे शर्म करो, आपकी बेटी के लिए कोई बोलेगा आपको कैसा लगेगा? आपकी बेटी को अगर कोई लड़का आकर बोल दे कि आपकी बेटी से शादी करूंगा, तेरे को उठाकर लेकर जाऊंगा, तब अपने दिन से पूछना। पर इनके अंदर दिल भी नहीं है, ये राजनीति में इतना डूब चुके हैं कि इनके लिए बाप बेटी माँ बहन कोई कुछ नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक चीज है गद्दी सीट, इनको उस पे किसी भी तरह से बैठना है। देखिए, इनकी हरियाणा में बहुत बुरी तरह हार हम मानेंगे इसको, क्यों? क्योंकि इनका देखिए तो 2 सीटों पे 2 सीट इनकी आई, इन्होंने तब भी सरकार बना ली। तो अगर इनका तो राज चल रहा है ना यहाँ पर, कि जब 2 सीटें आई तब इन्होंने सरकार बना ली, तो हरियाणा में इनको बहुमत नहीं मिला, हरियाणा में इनकी हार ही मानेंगे हम, ठीक है? झारखंड में इनकी बुरी तरह हार हुई, अब दिल्ली में कितनी बुरी तरह हार हुई, 8 सीटों पे आके अटक गए हैं दिल्ली में भी। तो अगर आप जनता के लिए कुछ नहीं सोचेंगे तो आपका यही हाल होता रहेगा, आपको हराया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे भारत को हमें अच्छा दिखाना है, आप ट्रंप साहब के लिए इतना कर रहे हैं आखिर, और ट्रंप की भी सोच हम आपको भी पता है, उसकी भी सोच इनकी भी सोच कैसी है, भाई भतीजा बिल्कुल एकदम सेम होता है ना, जैसे एक पहले हिटलर था, फिर उसके बाद ट्रंप साहब आए और हमारे मोदी साहब आ गए, तो ये बिल्कुल तीनों सेम विचारधारा के हैं। तो इसीलिए अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वहाँ पर दीवार कई 1000 करोड़ लगा दिए यार, दीवार में 3.5 करोड़ इन्होंने सिर्फ फ्लावर्स के लिए लगाए हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या कहते हैं जो खेती होगी वहाँ पे फूल उगेंगे, वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल लगेंगे और हम ट्रंप को अपने गुजरात में दिखाएंगे, ठीक है? और अभी जो JNU में हुआ, जो फीस का मामला हुआ, वहाँ पर कितने पैसे देने थे इनको, वहाँ पर उसके लिए पैसे नहीं थे, पर यहाँ पर फूलों के लिए थोड़े दिन के लिए फूलों के लिए यहाँ पर उगाने के लिए पैसे हैं। मतलब देखिए, ये सच्चाई सामने जरूर आएगी, कोई पागल नहीं है यहाँ पर। आपकी गोदी मीडिया भले कुछ भी दिखाता रहे, बट सोशल मीडिया सब कुछ दिखाता है। अमेरिका में भी ना लोगों को सच्चाई मालूम है, चाहे तो भारतीय हो चाहे तो अमेरिकन हो, उनको भी सच्चाई मालूम है। तभी मोदी जब जाता है वहाँ पर, तभी उसको काले झंडे दिखाए जाते हैं वहाँ पर। कोई कोई वाई वाई कोई भी नहीं करता, हमेशा हमारे
प्रधानमंत्री पर थूका जाता है हर सिटी हर कंट्री में, क्यों है? आखिर हमें भी बुरा लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा इंसान है, चाय वाला तो है नहीं, बेकार की बात है, क्योंकि ये संघियों के गुलाम रहे हैं शुरू से, चाय वाले नहीं थे, सिर्फ इन्होंने कहा है ना झोला छाप, हम तो झोला लेकर चल देंगे, हम तो गरीब है फकीर है, ठीक है, ये झोला छाप, सही में झोला छाप है ये, इनके पास कुछ नहीं है पर इनको दूसरों को भरना है, अपने अडानी अम्बानी को जिसकी वजह से बने हैं, मनुवादी सोच के वजह से उनको भर रहे हैं, सिर्फ इनका खुद का कुछ नहीं है, ये नहीं कह रही मैं, देखिए बुजुर्ग हैं ये तो, इनके लिए क्या ही बोले, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी हो गए अमित शाह हो गए, ये तो बुजुर्ग हैं, इनके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है ना, 70 साल के होने भी वाले हैं, अभी सोच रहे हैं कि अमित शाह को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो लाला जी, अगर प्रधानमंत्री अगर उनको बनाएंगे ना तो वो सबसे बड़ा तानाशाह इंसान है, सबसे बड़ा, अगर वो प्रधानमंत्री बनता है 2024 में हमारा, तो भारत के साथ जितने बुरे हालात है ना उससे डबल बुरे हालात हो जाएंगे, जो कश्मीर में आज हालात है ना, हर मुस्लिम बहुल इलाकों के, हर दलित बहुल इलाकों के ऐसे ही हालात होंगे, और हमारा एक दिन संविधान जो है उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा हालात अगर बीजेपी सरकार रहती है और आगे बढ़ती है तो ऐसे हालात हमें जरूर देखने को मिलेंगे आगे। बीजेपी के लोग हमेशा ये कहते हैं कि विश्व स्तर पर जो है भारत की बहुत अच्छी छवि बन रही है, राष्ट्रीय हित में बहुत काम हो रहा है, इस तरह के स्लोगन आप सुनते होंगे, लेकिन अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक से जो है भारत को बाहर कर दिया गया है, विकासशील देशों की सूची से निकाल दिया है। हाँ हम है ना, हम देखिए भारत बोलने वाली बात नहीं है, भारत बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं लड़कियों के, GDP रेट जो है हमारी बांग्लादेश से भी घटिया है, भारत आगे क्यों नहीं है इन चीज़ों में? है आगे भारत, हम बाहर जाते हैं तो हमें डर लगता है कोई हमें पकड़ के रेप ना कर दे, और इनके संघी विचारधारा के लोग ना हो जिनको जेल में डालने के बजाय उसको AC रूम में उसका इलाज कराया जा रहा हो, जब वो बाहर आए, ये क्या कहते हैं इनका चिन्मय आनंद, जब भी बाहर आए तो इसको मालाओं के साथ स्वागत किया जाए, यहाँ पर रेपिस्ट के ये हालात है, रेपिस्ट यहाँ पर संसद में बैठे हैं और हम जैसे लोगों को डर लगता है, तो भारत तो पहले नंबर पे हुआ ना इनके लिए, जो ये चाहते हैं ना ये अपने हिसाब से बताते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे लोग कुछ भी करें, वहाँ पर इनके एक नेता ने वहाँ पर एक लड़की का जब रेप किया कई दिनों तक, उसके बाप को मार दिया, उसके वकील को मार दिया, इतना बुरा हाल किया उसके साथ, जब भी उसको कोई सजा नहीं होती है, वो मजे में रहते हैं अंदर जेल में भी, जेल में भी इनको पूरी आराम से फैसिलिटी मिलती है, AC मिलता है, सब कुछ खाने पीने को सब कुछ बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है ना, तो इनके लिए इनके हिसाब से अगर जो जो ये चाहते हैं वो ये हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं भारत पहले नंबर पर है, पर मुझे ये लगता है कि भारत की इससे घटिया स्तर कभी भी नहीं हुआ राजनीति का। मोदी जी विदेशों में जाके कहते हैं इंडिया में सब चंगा सी, और यहाँ पर जो है दीवारें लगानी पड़ती हैं गुजरात मॉडल छुपाने के लिए। अच्छा, सब चंगा सी, पहली बात तो चंगा सी का जो मतलब होता है वो चंगा था होता है, चंगा सी का मतलब पहला था हो जाता है वो, ठीक है ना, तो ये सही बोलते हैं सब चंगा सी की, जब पहली सरकारें थी उनमें टाइम में सब चंगा था, बट अब बहुत बुरे हालात हो गए हैं, हमारा वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, हमारे GDP रेट देख लीजिए, कश्मीर के हालात देख लीजिए, और खासकर जो है हमारा यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना मुस्लिम्स को दबाने के लिए की जा रही है, बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो जाए, अभी मैं आपको खुद के आंखों देखा एक घटना बताना चाहूँगी कि एक लड़की थी वो भीख मांग रही थी, बहुत गरीब थी तो बहुत भीख मांग रही थी, और वो कश्मीर से थी, तो उसने ये बोला कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, ऐसे करके बोला तो मुझे भीख दे दो मैं बहुत परेशान हूँ, तो कुछ संघी लोग थे उसने उस लड़की को सरेआम चौक पर वाल खींचकर बहुत बुरी तरह मारा उस लड़की को, बहुत बुरी तरह मारा उस लड़की को, फिर उसके बाद कहते हैं तो झूठ बोल रही है मुसलमान है, ऐसे करके बोले भगवाधारी, उन्होंने वो ये क्या कहते हैं दिल्ली चुनाव से पहले की बात है, एक आध दिन पहले की बात है, भगवाधारी चोला उन्होंने टांग रखा था, और उसके बाद बहुत बुरी तरह से मारा, बोले मुसलमान है, तो उस लड़की ने एक बात बोली वहां पर कि मुसलमान होना गुनाह है क्या, आप ऐसे बोल रहे मुसलमान होना गुनाह है, तो उस लड़की को बहुत मुश्किल से वहां से लेकर निकाला, उसको लड़की को लेकर गए वहां से, और उसको मेट्रो तक छोड़कर आए कि आपको कहां जाना है वहां जाइए, तो यहां पर सिर्फ ये बोल देना कि आप मुसलमान हैं बहुत बड़ा आप पर धब्बा लगा जाता है, क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आप भारत नहीं आप पाकिस्तान के हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी जिसके लिए आज इतनी दया दिखा रहे हैं वहां के हिंदुओं के लिए, उस टाइम जब हमारा बंटवारा हुआ था उन्हीं हिंदुओं ने यहां पे भारत में रहना मुनासिब नहीं समझा था, उन्होंने पाकिस्तान को अपना देश माना था, जो यहां के मुस्लिम हैं उन्होंने हिंदुस्तान को देश माना था, तो वो जो वहां के हिंदू हैं वो हमारे हिंदुस्तानी नहीं है, जो यहां के मुसलमान हैं वो असली हिंदुस्तानी हैं, आप उनको हिंदुस्तानी बोलेंगे और यहां के मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलेंगे, आपकी औकात है क्या? आप नहीं बोल सकते हैं, आप सिर्फ 5 साल की सरकार है, आप 5 साल चलाइए इसको,
तमीज से चलाइए तो जनता आपके साथ मिलकर आपका आपके साथ आगे बढ़ेगी। और अगर आपने सही से सरकार नहीं चलाई तो जिस तरह से आपको अलग अलग स्टेट्स में हार मिल रही है आगे भी इतनी बुरी तरह हार मिलेगी और आने वाले बिहार चुनाव में इनको बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। विकल्प क्या है? देखिए विकल्प की हम बात करें, देखिए अगर अभी तो हम विकल्प की बात कर सकते हैं कि अभी तो ये सरकार आ गई है, ठीक है ना, आ गई है तो हमारे पास इतनी तानाशाह सरकार है ना, तो हमारे पास कुछ सोचने को ही नहीं बसता है। हम कितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार, 200 दिन इसको हो गए हैं, कई महीने शाहीन बाग को हो गए हैं, इन दो लोग में हर जगह औरतें बैठी हुई हैं, इनको किसी का दर्द दिखता ही नहीं है। विकल्प की बात करें तो विकल्प यही है कि अगर हमने डंडा मार लिया है अपने सर पे, अब 5 साल पहले मारा, अब फिर से 5 साल मार लिया है, अब उसको भुगतना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और अगर हमारे अंदर इतना दम होता कि हम कर सकते होते, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस सरकार से कुछ करवाने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए, बट जब भी ये सरकार काम ना करे तो हम क्या कर सकते हैं? जनता जो होती है वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकती है, ठीक है ना, उनसे गुजारिश कर सकती है, बट काम तो सरकार का ही होता है। बट मुझे ये लगता है कि किसी ना किसी दिन तो सरकार जो है वो दर्द समझेगी आम लोगों का और कुछ करेगी उनके लिए। ठीक है।